ज्यादा चीजें हम जैसे भी कदर उसकी कदर ही ना करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी किसकी बदौलत मिल रहा है, आज की रात खोल देते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम को सलाह पेशा करवाया कि जो तो जमीन पे जो जानवर चरने वाले हैं ना, बकरी है, गाय, भैंस है, जो जितने भी ये जमीन पे चलने वाले जानवर हैं, अगर ये ना हो, ये ना हो तो तुम्हें पानी का एक कतरा भी ना मिले, तुम्हें पानी का एक कतरा भी ना मिले। शुक्रिया अदा करो ना जानवरों का, बेशक बेशक सुभान अल्लाह। और जिनकी वजह से और जिनके वसीले से सुभान अल्लाह ते पता चला वसीला कितना जरूरी है, सुभान अल्लाह वसीला कितना जरूरी है। मैं किताब का नाम बता चुका हूँ पहले, क्योंकि सोशल मीडिया पे प्यार कार्ड होता है कि मेरे अपने फेसबुक पेज भी अपलोड करते हैं, मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता हूँ सुभान अल्लाह। और ऐसा से करना कि वो ना लोगों ने भी कानून खोलन तो कैसे कि हक सच बयान करने बैठे, बेशक उन लोगों के कान खुले। और आलम ने क्या हुक्म लिखा था कि बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत बरसता नहीं देख कर अब रे रहमत बदों पर भी बरसा दे साने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। अच्छा सर मोहतरम फरमाया हजूर की हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ किताब का वादा, जन्नत में ले जाने वाले हवाले में काफी दफा यहाँ पे लाया हूँ दिखाया था। फरमाया जमीन पे चलने वाले जो जानवर है ना, इनकी वजह से तुम्हें पानी अता किया जाता है। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब ने तफसीर के अंदर चार पैराग्राफ लिखे, चार पॉइंट दिए। पहला पॉइंट लिखा है कि मखलूक को अदब से वजूद में लाना किसकी शान है, ये मेरे रब की शान है। बेशक सुभान अल्लाह। आपका मेरा कायनात का वजूद है उसी ने बनाया ना, एक अलग बात है बाबा वसीला जरिया बने। उसने मां के पेट के अंदर इमाम आजम अबू हनीफा का रात जो मेरा इज्तिमा में था, मेरे का नाम मेरा इज्तिमा था, तो फिर रात इमाम आलम की उन्होंने किसी ने तो बयान था इमाम आलम रहमतुल्लाह ताला ने उनका फिका हनफी के बहुत बड़े इमाम इस जिम्मे में वो बात था। इमाम आलम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के दौर के अंदर एक मसला था। मसला क्या था कि एक शख्स ने कसम ये खाई अपनी बीवी से कहा कि अगर तू तो चांद से ज्यादा खूबसूरत ना हुई तो तुझे मैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दी। अल्लाह सर करते करते ये मामला आपके दौर के उलमा भी इकट्ठे थे, मुफ्ती इकराम भी इकट्ठे, इराक के, शाम के, बगदाद के तमाम अरब अजब उलमा इकट्ठे हुए, मुफ्ती इकराम इकट्ठे हुए, मगर किसी से मसला नहीं बना क्योंकि इमाम आजम कोई छोटी हस्ती नहीं। सुभान अल्लाह। लोग परेशान किसका हल क्या किया जाए। उसने कहा अगर शाम तक उसने शख्स का अपनी बीवी को कहा अगर तूने शाम होने सूरज डूबने से पहले पहले अपने आप को यह साबित न किया कि तू चांद से मोर से ज्यादा खूबसूरत है तो तुझे तू मेरे घर से बाहर ही रह दो, तलाक दे दे दिया। औरत